हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, आपने पिछली क्लासेस में इज आर एम वाज और वी सीख लिया, ओके फ्रेंड्स, यानी कि प्रेजेंट भी हो गया, पास्ट भी हो गया। आज की प्रैक्टिस क्लास में हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस, मींस यूज ऑफ शैल बी और विल बी, ओके फ्रेंड्स। तो सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रैक्टिस क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और इससे आपको काफ़ी फायदा हो रहा होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर अभी अभी आए हो, नए नए हो और आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ओके फ्रेंड्स। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और कोई नहीं होगा, क्योंकि हम बिल्कुल एक रियल क्लास की तरह यहाँ पर वीडियो बनाते हैं। हम रोज़ एक टॉपिक पढ़ाते हैं और उससे होमवर्क देते हैं, काफ़ी सारे सेंटेंसेस बोल के प्रैक्टिस करते हैं, फिर होमवर्क देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में उसके हम आंसर भी बताते हैं, ओके फ्रेंड्स, ठीक एक रियल क्लास की तरह। तो हम लास्ट क्लास में दिए गए क्वेश्चन यानी कि होमवर्क का आंसर देखते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स, इसको आप मिला लीजिए अपने बनाए हुए आंसर से, जहाँ पर भी गलतियाँ हो वहाँ पर सुधार लीजिए, ओके फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं यूज़ ऑफ शैल बी और विल बी, ओके। मैंने प्रेजेंट पढ़ाया प्रेजेंट में इज आर एम, पास्ट पढ़ाया पास्ट में वाज और, ओके फ्रेंड्स। नाउ दिस इज द फ्यूचर टेंस, मीन्स बेसिक इंग्लिश में आने वाले सेंटेंसेस में से फ्यूचर टेंस पढ़ाने वाला हूँ आज। तो इसमें हम शैल और विल का इस्तेमाल और उसके साथ बी का इस्तेमाल हम कब करते हैं। तो जब भी सेंटेंस के अंत में रहेगा रहेगी रहेंगे, बनेगा बनेगी बनेंगे, होगा होगी होंगे रहे, तो वैसे सेंटेंस को हम शैल बी और विल बी लगा कर बनाते हैं। जैसे मैं एक डॉक्टर बनूँगा, तुम एक इंजीनियर बनोगे, वे लोग खिलाड़ी बनेंगे, वह दुखी रहेगा, तुम खुश होगे। इसका मेकिंग फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। यहाँ पर हम शैल बी और विल बी, यानी कि कहाँ पर शैल लगाएंगे कहाँ पर विल लगाएंगे, ये अभी आपको हम अच्छी तरह से समझा देते हैं। बहुत ही आसान है, सिंपल है। आई और वी को छोड़कर, आई और वी के साथ क्या होता है, शैल लगता है, और बाकी सब के साथ विल लगाना आपको। और आजकल तो बोलचाल में आई और वी के साथ भी लोग विल ही लगाते हैं, चलता है, ओके फ्रेंड्स। तो ऐसे ग्रामेटिकल आपको अगर समझना है तो आई और वी के साथ शैल बी और बाकी सब के साथ, यानी आई और यू को छोड़कर बाकी सब के साथ विल बी, ओके फ्रेंड्स। तभी हम सेंटेंस बनाते हुए समझते हैं। वह तैयार रहेगा, तो वह के लिए ही और ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, वी विल बी रेडी। बहुत ही ईजी है। मैं खुश रहूँगा, आई के साथ शैल लगता है तो आई शैल बी हैप्पी, ओके फ्रेंड्स। वे लोग खिलाड़ी बनेंगे, दे विल बी प्लेयर्स। राजू नाराज होगा, तो राजू के साथ विल लगेगा, बी एंग्री, ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अभी हम आपको इसका शॉर्ट फॉर्म बताते हैं। हम ही विल, आई शैल, दे विल, ये सब जितने भी हैं इसका शॉर्ट फॉर्म हम आपको अभी बता रहे हैं। जैसे ही प्लस विल अगर लिखेंगे तो इसका हील बोलेंगे, ओके फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ही विल की जगह पर हील बी रेडी भी बोल सकते हैं। आई प्लस शैल इक्वल टू आई, इसको हम आई भी बोल सकते हैं। आई शैल की जगह हम आई बी रेडी भी बोल सकते हैं। इसी तरह से यही शॉर्ट फॉर्म लोग इस्तेमाल करते करते आई के साथ शैल बोलना भूल गए हैं और आई के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं, ओके फ्रेंड्स, चलता है, लैंग्वेज है। अभी वे लोग खिलाड़ी, दे विल है, तो दे के साथ अगर हम विल लगाएंगे शॉर्ट फॉर्म में तो होगा दे ही, दे, ओके फ्रेंड्स। अगर वी के साथ हम शैल लगाते हैं तो बराबर विल, यहाँ पर डायरेक्ट विल बोलेंगे हम, ओके विल। इसी तरह से यू के साथ अगर हम विल लगाते हैं
तो यील होगा। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम इसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स बनाते चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये तीन सेंटेंसेस मैंने लिखा हुआ है, वह खुश नहीं रहेगा, ये नेगेटिव का है। तो नेगेटिव का सेंटेंस कभी भी बनाते वक्त ध्यान रखना, ही विल नॉट, उसके बाद हम बी का इस्तेमाल करेंगे, ही विल नॉट बी हैप्पी। ओके फ्रेंड्स, और ही विल नॉट को हम ही वॉन्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि विल प्लस नॉट को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ही वॉन्ट बी हैप्पी भी बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर आई और शैल और प्लस नॉट होगा, शैल प्लस नॉट के इसका शॉर्ट फॉर्म अगर बोलना होगा आपको तो शांत बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको शांत बोलते हैं। तो जैसे मैं खुश नहीं रहूँगा, आई शैल नॉट बी हैप्पी, या शॉर्ट फॉर्म आई शांट बी हैप्पी। ओके फ्रेंड्स, अभी क्या तुम तैयार रहोगे, यहाँ पर क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी सेंटेंस अगर क्या से शुरू होता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब पहले रखते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल और विल, इसमें बी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे तुम के साथ विल लगेगा, तो विल यू बी रेडी, सिंपल। अगर यहाँ पर हम नेगेटिव लगाते हैं कि क्या तुम तैयार नहीं रहोगे, तो विल यू नॉट बी रेडी, या शॉर्ट फॉर्म won't you be ready। लोग ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, will not की जगह won't बोलते हैं, shall not की जगह shan't बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन वर्ड है, वह क्यों दुखी होगा, तो why will he be sad। ओके फ्रेंड्स, ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं कि why will be he sad, will के साथ ही बी लगा देते हैं। बट क्वेश्चन वर्ड में और इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव में, यहाँ पे नेगेटिव में हमेशा नॉट के बाद बी लगेगा, ध्यान रहे। अगर शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, won't be सीधा हो जाएगा, और इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद बी लगेगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर विल बी यू ऐसा मत बोलना, और क्वेश्चन वर्ड में भी सब्जेक्ट के बाद ही बी लगेगा। ओके फ्रेंड्स, हम और भी बहुत सारा सेंटेंस बोल बोलकर प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, सीखने को मिले। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। राजू खुश रहेगा, राजू विल बी हैप्पी। राजू खुश नहीं रहेगा, राजू विल नॉट बी हैप्पी, या राजू वॉन्ट बी हैप्पी। क्या राजू खुश रहेगा, विल राजू बी हैप्पी। क्या राजू खुश नहीं रहेगा, विल राजू नॉट बी हैप्पी, या वॉन्ट राजू बी हैप्पी। वह तैयार रहेगा, ही विल बी रेडी। वह तैयार नहीं रहेगा, ही विल नॉट बी रेडी, या ही वॉन्ट बी रेडी। क्या वह तैयार रहेगा, विल ही बी रेडी। क्या वह तैयार नहीं रहेगा, Will he not be ready, या won't he be ready। वे लोग खिलाड़ी बनेंगे, they will be player। वे लोग खिलाड़ी नहीं बनेंगे, they will not be players, या they won't be players। क्या वे लोग खिलाड़ी बनेंगे, will they be players। क्या वे लोग खिलाड़ी नहीं बनेंगे, will they not be players, या won't they be players। मेरे पिताजी मुझसे खुश होंगे, my father will be happy with me। मेरे पिताजी मुझसे खुश नहीं होंगे, my father will not be happy with me। क्या मेरे पिताजी मुझसे खुश होंगे, will my father be happy with me। क्या मेरे पिताजी मुझसे खुश नहीं होंगे, will my father not be happy with me, या won't my father be happy with me। मेरे पिताजी मुझसे खुश कैसे होंगे, how will my father be happy with me। मेरे पिताजी मुझसे खुश कैसे नहीं होंगे, how will my father not be happy with me, या how won't my father be happy with me। मैं 10 मिनट में वहां मौजूद रहूंगा, कि I'll be there in 10 minutes। ओके फ्रेंड्स, आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स। क्या तुम कल वहाँ 5 बजे मौजूद रहोगे,
विल यू बी देयर एट 5 o'clock टुमारो? क्या तुम्हारी बहन तेज होगी? विल योर सिस्टर बी इंटेलिजेंट? क्या तुम्हारी बहन तेज नहीं होगी? विल योर सिस्टर नॉट बी इंटेलिजेंट? या वॉन्ट योर सिस्टर बी इंटेलिजेंट? वह कैसे तुम्हारा दुश्मन बनेगा? हाउ विल ही बी योर इनेमी? वह कैसे तुम्हारा दुश्मन नहीं बनेगा? हाउ विल ही नॉट बी योर एनिमी? या हाउ वॉन्ट ही बी योर एनिमी? तुम्हारे दोस्त तुम्हारे मददगार नहीं होंगे। योर फ्रेंड्स विल नॉट बी योर हेल्पर। या योर फ्रेंड वॉन्ट बी योर हेल्पर। तुम्हारा दोस्त कैसे तुम्हारा मददगार होगा? हाउ विल योर फ्रेंड बी योर हेल्पर? ओके फ्रेंड्स, वहाँ क्या रहेगा? व्हाट विल बी देयर? वहाँ कौन होगा? हु विल बी देयर? तुम मुझसे खुश कैसे रहोगे? हाउ विल यू बी हैप्पी विथ मी? तुम मुझसे नाराज क्यों होगे? हाउ विल यू बी एंग्री विथ मी? हम लोग तैयार क्यों रहेंगे? हाउ शैल वी बी रेडी? ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे सेंटेंसेस थे प्रैक्टिस के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाना है। तो ये रहा होमवर्क, आप इसको घर पर बनाइए। इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह से आप पढ़िए, फिर इनको समझिए और इनको बनाइए। पूरा मिक्स होगा इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स। ओके फ्रेंड्स, इनको आप समझ कर बनाना। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा अच्छी तरह से। और फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगता है, थोड़ा भी अच्छा लगता है मेरे पढ़ाने का तरीका और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मेरे वीडियो को देखते वक्त लाइक ज़रूर किया कीजिए और वीडियो को उन तक शेयर भी किया कीजिए जो सचमुच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।